पबजी मोबाइल के अंदर आज दो इवेंट आया है जिसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले। सबसे पहले ड्रैगन बॉल का प्राइज पाथ आया है, तो ड्रैगन बॉल का प्राइज पाथ का मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें पहला वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा, और सेकेंड वीडियो में जितना भी मिशन है सबको एक्सप्लेन किया हो कितना मिशन को आप कंप्लीट कर सकते हो 900 यूसी देकर। कुछ कुछ को आपको एक्स्ट्रा यूसी देना पड़ेगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये वीडियो आप चेकआउट कर लेना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सब वाउचर्स सबको यूज़ कर सकते हो, ये क्रेट सब में कैसे आप सिलेक्शन कर सकते हो कोई आइटम में, पूरे डिटेल में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बट उससे पहले पबजी मोबाइल का तो एक और इवेंट है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इधर आप देखो अमेजिंग रिवर्ट नाम का एक इवेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसका टाइम पीरियड आप देख पा रहे हो 7 जून से लेके 27 जून तक इवेंट चलने वाला, 20 दिन का इवेंट है, जिसमें अगर आप 100 यूसी स्पेंड करते हो कोई भी जगह में तो आप देख पा रहे हो आपको मिल जाएगा मिथिक फॉज एम्बलम फ्रैगमेंट का 5 बॉक्सेस, जिसमें से आपको 5 तो कंफर्म आपको फ्रैगमेंट मिल जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है। 300 यूसी स्पेंड करोगे तो आपको 8 पेंट मिल जाएगा। 600 यूसी स्पेंड करोगे तो आपको 2 मिनी मटेरियल का बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें 2 मिनी मटेरियल तो कंफर्म है और उसका ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, डिपेंड अपॉन योर लक। 1200 यूसी स्पेंड करोगे तो 3 मिनी मटेरियल बॉक्सेस मिल जाएगा, जिसमें 3 मिनी मटेरियल तो कंफर्म है, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप 1200 यूसी स्पेंड करते हो डायरेक्टली तो पीछे वाला रिवॉर्ड मिलते हुए आएगा। उसके बाद आप देख पर अगर आप 3000 यूसी स्पेंड करते हो तो आपको मिथिक फॉज एम्बलम मिल जाएगा, वो भी 2, जिसको आप अपग्रेडेबल गन रिडीम करने के लिए यूज़ कर सकते हो या मिथिक आउटफिट रिडीम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 6000 यूसी स्पेंड करते हो तो आपको एक्सूट गोल्डन वाला मटेरियल मिल जाएगा, जो कि 20 मिलेगा, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा एक्सूट को लेवल अप करने के लिए। उसके बाद अगर आप 12000 यूसी स्पेंड करते हो तो आपको 2 मेन मटेरियल मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप 30000 यूसी स्पेंड करते हो तो आपको 2 स्टार फॉज मटेरियल मिल जाएगा, और उसके साथ साथ अगर आप 60000 यूसी स्पेंड करते हो तो आपको 3 मेन मटेरियल मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके आप कोई भी गन को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। अमेजिंग रिवॉर्ड का इवेंट काफ़ी अच्छा है, उसमें अच्छा खासा रिवॉर्ड भी आपको मेरा, डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट कर पाओगे उस हिसाब से स्पेंड करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग ड्रैगन बॉल प्राइस पैथ में आते हैं। ऑलरेडी बताया ड्रैगन बॉल प्राइस पैथ का जो मेन चीज है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ कुछ रिवॉर्ड्स है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो रिवॉर्ड आप देख पा रहे, ये जो क्रेट आप देख पा रहे हम लोग को लेवल 5 में मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ अलाउ यू टू चूज एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। तो इसमें एक्चुअली होगा ये कि ये क्रेट आपको जैसे मिलेगा तो आपको इसमें से चॉइस मिलेगा कि इसमें से आप कुछ भी चीज ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्रेट केवल एक नहीं है, उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे 10 लेवल में वापस एक क्रेट मिलेगा, इसमें से भी आपको चॉइस मिलेगा, कोई भी एक ले सकते हो। इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप चूज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 25 लेवल में एक और मिल जाएगा, ये क्रेट काफी अच्छा है, जिसमें आप 4 मिथिक वॉइस पैक में से कोई भी आप ले सकते हो और वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि रैंडम में कुछ भी मिल जाएगा, नहीं, आपको जो वॉइस पैक पसंद आप यूज कर सकते हो, उसको रिडीम कर सकते हो। और 35 लेवल में एक और हम लोग को क्रेट मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो 35 लेवल में जो क्रेट आप देख पा रहे हो, इसमें से आपको 4ों में से कोई भी रैंडम आप ले सकते हो। बट मेरा मानो तो गेम आपको दिखावा के लिए ऑप्शन दिया चूज करने का, एक्चुअल में आपको यूएसजी लेना पड़ेगा तभी जाके आप पॉइंट अर्न कर सकते हो, और वो पॉइंट से बाद में जाके आप रिवॉर्ड ले पाओगे। अगर आप यूएस को नहीं सेलेक्ट करोगे तो आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाला है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर डिटेल में जानना है क्या पॉइंट के बारे में बात करो तो आप ये वीडियो चेकआउट कर लेना, डेफिनेटली मिस मत करना, ठीक है। तो अभी मैं दिखा दो कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको एक क्रेट मिलेगा इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसमें से आप जो आपके पास ऑलरेडी है इन्वेंट्री में उसमें ओन्ड लिखा हुआ आएगा, और जो आपके पास नहीं है तो उसमें से एक आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ को आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें 4ों पैक में यही ऑप्शन रहेगा, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको पसंद है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ सबसे बड़ा जो स्कैम है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो आप देख पा रहे ये जो कूपन्स, तो आप देख पा रहे हो आपको काफ़ी सारा लेवल में ये कूपन्स मिलने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हो 4 लेवल में आपको ड्रैगन बॉल सुपर क्रेट सिंगल ड्रॉ का कूपन मिलने वाला है, उसके साथ साथ आप देख पर वापस से आपको ये मिलने वाला है। तो इस तरह का आप देख पर काफ़ी सारा कूपन आपको मिलेगा, अलग अलग क्रेट का मिलेगा। जैसे आप देख पर ये वजीटा वाला मिला है, आगे जाओगे तो और मिलेगा, उसके बाद आप देख पा रहे हो गोकू का भी आपको मिला है। तो आप देख पा रहे कितना सारा आपको कूपन्स मिला, जिसको आप यूज करके क्रेट ओपनिंग कर सकते हो। कौन सा क्रेट ओपन कर सकते हो, इधर आप क्रेट ओपनिंग कर सकते हो। अब देखिए एक चीज है कि इसमें लिखा तो है 1 ड्रॉ, बट ये लोग इतना स्मार्टली ये कूपन को बनाया है ना कि ये जो 1 ड्रॉ वाला कूपन है ना, ये केवल आपका डायरेक्टली इसमें यूज नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे ये यूज होगा। मान लो आपको ड्रैगन बॉल वाला ग्रीन वाला कूपन मिला है, ठीक है, आप वो कूपन लेकर आप डायरेक्टली एक ओपन करने जाओगे ना तो वो कूपन अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ, ये स्कैम है। एक्चुअली में आपको 10 ओपन करना पड़ेगा, और 10 जब ओपन करोगे तब आप कूपन को अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। मतलब आपको 10-10 करके ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आप एक एक कूपन को अप्लाई कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग इनडायरेक्टली आपको पुश कर रहे कि भाई आप यूसी लगा के ओपन करो, या पॉइंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा उसको भी आप लगा के ओपन कर सकते हो। जो बंदा यूसी से ओपन करने वाले हैं या 10 एक ही बार में ओपन करने वाले, तो उन
उनके लिए फायदा हो सकता है, बट अगर सोलो ओपन करने का सोच रहे तो ऐसा नहीं है भाई, वो आपको नहीं देने वाला सोलो में, आपको 10 ओपन करोगे तब जाके एक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या टिप्स रहेगा, इसमें टिप्स ये रहेगा कि आप जैसे ही 40 लेवल कंप्लीट करोगे और उसके बाद जितना भी आपको पॉइंट्स मिलेगा वो पॉइंट्स को आपको वेस्ट नहीं करना, लास्ट तक लेके जाओ, 2 महीने का इवेंट है, जितना मिशन हो पा रहा पॉसिबल कंप्लीट करो और पॉइंट इकट्ठा करो, ठीक है। जितना ही पॉइंट आप कलेक्ट कर पाओगे लास्ट दिन में देखो कितना पॉइंट हो रहा, और उस हिसाब से आप देखना कि कौन सा क्रेट ओपन करना है, 10-10 ही ओपन करना है, सोलो मत ओपन करना, सोलो केवल 10 उसी का ओपन करना, उसके बाद आप सोलो मत ओपन करना, उसके बाद आप करना 10 का ओपन करोगे ना तो उस टाइम आप वाउचर को अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, आप वाउचर का अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंटेड रेट में क्रेट ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। एक ही बार में 10 ओपन करने तो 2 फायदा, सबसे पहले तो आपको पता है अगर आप 60 करके 10 ओपन करोगे तो 600 यूसी होता है, गेम आपको 540 में 10 ओपन करने का मौका मिल रहा, और आपको पता है आपको वाउचर अगर मिलता है ना तो 480 में ही आपको मिल जाएगा, मतलब एक काइंड ऑफ 10 तो ओपन कर रहे हो आप बट 8 का ही आपको पैसा देना पड़ेगा या पॉइंट देना पड़ेगा, अगर आपके पास पॉइंट है तो पॉइंट देना पड़ेगा, अगर पास यूसी है तो यूसी देना पड़ेगा 8 क्रेट का ही, क्योंकि 2 क्रेट तो आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, एक वाउचर से मिल जा रहा और दूसरा तो आपको गेम ही दे रहा खुद से, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाउचर सबका यूज समझ में आ गया, क्रेट सबका यूज समझ में आ गया। तो चलो ये वीडियो को हम लोग इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, नाइस, टेक केयर, बाय बाय।